सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने, स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना। और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, टोक्यो ओलंपिक्स हों, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ना केवल नीरज बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। 5वें नंबर पर किशोर जेना ने, तो 6ठे नंबर पर, 6वें नंबर पर मनु डीपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है भारत की। ये पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे भारत ने एक के बाद दूसरे खेल में शानदार प्रदर्शन किया है और स्पष्ट तौर पर नज़र आता है, कभी रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, चेस और अब जेवलिन एथलेटिक्स में। और 4x400 में भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक चैंपियनशिप में किया, अन्य खेलों में। इससे दिखता है कि कैसे भारत में खेलों का वातावरण बना है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलों का बजट भी 3 गुना ज़्यादा किया, टॉप जैसी योजनाएं चलाई, खेलो इंडिया योजना चलाई, खेलो इंडिया सेंटर्स खोले, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, इनसे खिलाड़ियों को सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल जीते हैं। मेरा एक बार फिर नीरज चोपड़ा को और बाकी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।